हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा क्यूब रूट कैसे आसानी से एक सेकंड में निकालें। क्यूब रूट को आसानी से कम समय में कैसे निकाला जाए, इसके लिए आपको कुछ बेस को अपनाना पड़ेगा। जैसे मैं लेता हूं 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 5 का 125, 216, 3 4 3, 8 का लीजिए 5.2, 9 का लीजिए 7.29, 10 का लीजिए 1000। इस तरह से आप आगे बढ़ा सकते हैं। यहां तो मैं पूरा लिख लिया, अब इधर आता हूं, मैं यूनिट सिर्फ लिखूंगा। यूनिट जैसे 1 का यूनिट कितना होगा, लास्ट डिजिट 1, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9। बस इतना में आपका सोल्यूशन हो जाना चाहिए। अब देखिए, इसमें आप देखिए किसी भी अंक का रिपीटेशन नहीं है। 1 से लेके 10 तक के डिजिट में कहीं भी आपको कहीं भी रिपीटेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब आप हम लोग चलते हैं कि किसी का भी क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है, ये डिजिट आपका दिया हुआ है 3375, ठीक है। अब आपको इसका बोलेगा क्यूब रूट निकालने के लिए, तो आप इस तरह से तो सोचते रहेगा। आपको करना क्या है, इसे 2 पार्ट में बांट देना है। इधर से 3 डिजिट छोड़कर आप ऐसे एक लाइन खींचिए। अब देखिए, सबसे पहले मुझे यूनिट मिलाना है। ये डिजिट से हमको मतलब नहीं है, 375 है, 375 से मुझे मतलब नहीं है, मुझे केवल लेना है 5 को। अब 5 देखिए किसमें आता है, 5 देखिए यहां यूनिट किसमें आता है, 5 में, यानी 10 के लिए 5 हो गया। अब यहां देखिए 3, अब किस डिजिट में ये 3 है, किसको क्रॉस कर रहा है। जैसे मान लीजिए 1 का क्यूब कितना हुआ 1, 2 का क्यूब कितना हुआ, किसके बीच में है, 1 और 8 के बीच में है, किसको क्रॉस कर रहा है 1 को, तो ये किसका स्क्वायर हुआ 15 का, क्लियर है। इसी तरह से अब आप यहां पर क्या कीजिएगा, यहां पर आपको करना क्या है, हम क्या बोल, इधर से आपको 3 डिजिट को छोड़ना है, 3 डिजिट को छोड़िए, 3 डिजिट को छोड़िए। अब यूनिट में लाइए, यूनिट किसमें है, यूनिट है आपका 2, 2 किसमें है, यहां देखिए 8 में, आप इसके लिए क्या लिखिएगा 8। अब आप देखिए, अब मुझे क्या है 21 है, अब इधर जितना डिजिट है ये कंप्लीट डिजिट को देखना है, किसको क्रॉस कर रहा है, ये 8 और 27 के बीच में है, क्रॉस किसको कर रहा है 2 को, यानी आपका यहां पर क्या होगा 28, यानी 28 का ये क्यूब है, ठीक है। इसी तरह आते हैं 50653, आपको करना क्या है 3 डिजिट, अंतिम से 3 डिजिट यहां पर एक एक लाइन खींचिए। अब आप देखिए 3 किसका बेस में है, 3 देखिए 7 का बेस में है, यानी यहां पर 7 हो गया। अब 50 ले रहे हैं, 50 किसको क्रॉस कर रहा है, देखिए 3 का 27 और 64 के बीच में है, 24 और 64 के बीच में है, यानी मुझे लेना है किसको 3 का, यानी किसका हो गया ये 37 का हुआ, ठीक है। इस तरह से फिर आप आगे देखिए
74088, ठीक है। इधर से आपको तीन डिजिट छोड़ना है, तीन डिजिट। अब एट देखिए किस में आ रहा है, एट किस में आता है, दो में, यानी इसके लिए क्या हुआ, दो। अब 74 किसको क्रॉस कर रहा है, देखिए 64 और 125 के बीच में है, जिसको क्रॉस कर रहा है यूनिट उसी का होगा। यहां पर कितना हो गया, फोर, यानी ये किसका है, 42 का, ठीक है। इस तरह से आप आगे कर सकते हैं। अब देखिए मैं देता हूं 157 464। अब आइए यहां आप 464, अब देखिए 4 किस में आ रहा है, 4 आपका आ रहा है 4 में, यानी इसके लिए आपको क्या करना है, 4। अब 157 को पकड़िए, 157 किसको क्रॉस कर रहा है, 125 को क्रॉस कर रहा है, 125 को क्रॉस कर रहा है और 216 के पहले है, यानी मुझे पकड़ना क्या है, 5 को पकड़ना है, यानी कितना होगा 54, यानी ये 54 का क्यूब है, ठीक है। अब इस तरह से हम फिर आगे बढ़ता हूं, टू फाइव डबल जीरो फोर सेवन। अब आइए इधर से मैं तीन डिजिट छोड़ता हूं, 47 किसका है, 3 का, यानी इसके लिए क्या होगा, 3। अब 250 है, 250 किसका होगा, 250 216 के बाद है, देखिए 216 के बाद है और 343 के पहले है, जिसके बाद है उसे पकड़ना है, यानी कितना होगा, 63, ठीक है। इस तरह से आप कितना भी डिजिट है उसका क्यूब मुश्किल से एक सेकंड में आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये दोनों बेस याद रखना पड़ेगा। अब जैसे मैं ये तो ठीक है 100 से कुछ ऊपर अंक लेके देखता हूं, 1157625। अब यहां पर पकड़ते हैं, तीन डिजिट को छोड़ देते हैं, तो अब यहां पर क्या होगा, देखिए यूनिट के लिए क्या लिखेगा, 5, यूनिट के लिए 5 लिखे। अब आइए आप यूनिट के लिए 5 लिखे, अब आइए यहां पर कितना है, 1157। अब देखिए 11 में कितना होगा, 1331 होता है। अब आपको देखना क्या है, किसको ये क्रॉस कर रहा है, 1000 को क्रॉस कर रहा है, 1331 के पहले है ये, यानी इसके पहले कितना होगा, 105। इस तरह से आप कोई भी क्यूब रूट को विद इन सेकेंड आप निकाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट में जाकर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। इसके पहले मैं स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसका मैं लेकर आया, इसके पहले मैं बता चुका हूं, अगर आप उसे पहले आप वॉच कीजिए उसके बाद आप क्यूब रूट देखिए, क्योंकि जब तक स्क्वायर रूट नहीं पकड़ पाइएगा तब तक आपको क्यूब रूट में दिक्कत होगा। अगले एपिसोड में मैं लेकर आऊंगा कैसे फाइंड आउट करेंगे कि स्क्वायर, जैसे अभी मैं पकड़ा हूं क्यूब रूट को कैसे पकड़े कि किसका क्यूब, उसी तरह किसका स्क्वायर।